हे गाइस, सैल यार। और दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि अपनी स्किन को नेचुरली वे में कैसे उसको सही कर सकते हो, और मतलब उसको ग्लोइंग और फेयर कैसे कर सकते हो। तो आजकल का जो ट्रेंड है वो काफ़ी सारे बंदों में यही चल रहा है, हर बंदे को ग्लोइंग फेयर स्किन चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, और जैसे अलग अलग मार्केट से क्रीम खरीद के लाना और फिर उसको रोज़ रोज़ लगाना। और मतलब मैं आपको पहले ही बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप ये सब अगर क्रीम लगाते हो तो ये सब मत लगाओ, क्योंकि जो आप अपना डिज़ायर रिजल्ट चाहते हो तो वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा जब तक आप इस क्रीम को यूज़ करते हो। तो शुरू शुरू में काफ़ी अच्छा लगेगा, आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा फेयर हो रहे हो यार, सारी जितनी बंदी आ रही है सब पड़ जाएगी तिरवाई से। तो मतलब ये शुरू शुरू में अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में जो आप बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर लोगे क्रीम को, तो फिर आपका जो चेहरा है वो काफ़ी भद्दा सा और बेकार सा दिखने लगेगा। तो आप इसको नेचुरली वे में सही करो, जिससे आपका जो चेहरा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे और कोई ये बंदा ना कह पाए कि भाई इसने तो क्रीम की वजह से अपना सही किया है। तो आप उसको नेचुरली वे में कैसे सही कर सकते हो, और ये हमेशा आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए, जिससे आपकी जो हेल्दी स्किन रहेगी और आपकी जो स्किन है वो फेयर और ग्लोइंग रहेगी। तो अब बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिर्फ छोटी सी बात बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप मुझको पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमेशा मैं ऐसी वीडियोस लाते रहता हूँ। और अगर आपने अभी तक अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो अभी फॉलो कर लो। तो हम बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है वो है वाटर। तो यार जितना हो सके आप उतना वाटर पियो। वाटर पीने से क्या होगा, मतलब आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और फिर उसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग दिखेगी, वो काफ़ी ज़्यादा फेयर रहेगी। तो अगर आप पानी बहुत कम पीते हो तो यार आपको आज ही से पानी पीना स्टार्ट करना होगा, और कम से कम आपको एक दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीना है या फिर 12 गिलास आपको एक दिन में पानी पीना है। और फिर उसके बाद आप एक महीने बाद रिजल्ट देखोगे तो आपकी जो स्किन है वो काफ़ी फेयर और ग्लोइंग दिखाई देगी। सेकंड हमारे पास जो है वो है हेल्दी फूड। तो हेल्दी फूड से मेरा मतलब ये है कि मतलब आपको कचरा नहीं खाना, जैसे बाहर अगर आप जाते हो तो मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो हद कर देते हैं यार, हमेशा रोज जब जाते हैं तो समोसे खा के आते हैं, बड़े बड़े पकौड़े खा के आते हैं। तो यार ऐसा मत करो, नहीं तो फिर आपके जो बड़े बड़े पिंपल्स हैं वो आपके चेहरे पर आने लग जाएंगे। और आपको अच्छा फूड खाना है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हो, फ्रूट्स आपको ऐसे लेने हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भर भर के हो या फिर उसमें कूट कूट के भरा हो। तो ये आपको मिल सकता है गार्लिक में, और पम्पकिन, ग्रीन टी और ओनियन में भी आपको ये मिल सकता है, आप इसको लो। और एंटीऑक्सीडेंट से क्या होता है कि इससे आपकी जो बॉडी है वो रिकवर होती है, और ऐसे अगर आप एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स खाते हो तो आपकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी और हेल्दी स्किन रहेगी, और उस पर बिल्कुल भी कोई भी पिंपल्स नहीं होंगे। थर्ड हमारे पास है वो है कलरफुल वेजिटेबल। आपको जितना हो सके कलरफुल वेजिटेबल खाओ, जैसे ग्रीन वेजिटेबल जो होती है वो आप खाओ, जैसे पालक होते हैं और भी बहुत सारी जो ग्रीन वेजिटेबल होती है वो आप ले सकते हो। इससे आपको क्या होगा कि आपकी जो स्किन है वो काफ़ी फेयर रहेगी, और आप सभी को पता है कि वेजिटेबल में जो कलर मिलता है वो विटामिन और उसमें मिनरल की वजह से जो उसमें कलर है वो मिलता है, और जो आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो जितना हो सके उतना कलरफुल सब्जी खाओ और वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। फोर्थ जो हमारे पास है वो है हाउ टू ग्लो योर स्किन। और ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन सा मतलब क्वेश्चन है हर बंदे के लिए, और मतलब वो बोलता है कि मतलब मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते हैं भाई स्किन को ग्लो कैसे करें, फेयर कैसे बनाएं। और मतलब बाकी जो मैं टिप्स बताई है वो तो हेल्पफुल है ही, और ये जो टिप्स मैं इसमें बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे ग्लो कर सकते हो अपने फेस को और उस पर जो पिंपल्स है वो क्यों आते हैं। तो जैसे यार आप बहुत सारी ऑयली फूड खाते हो और बहुत सारी बाहर की जो चीज़ें वो खाते हो, तो उससे क्या होता है जो उसका जो ऑयल रहता है वो आपके फेस के थ्रू बाहर आता है, फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स भी होते हैं। तो आपको ऑयली चीज़ नहीं खानी, नहीं तो फिर जो ऑयल है वो आपके फेस पर बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो आपको फर्स्ट बात तो ये है कि आपको ऑयली फूड इग्नोर करना है पूरा, और सेकेंड है कि आपको जितना हो सके आपको उतना स्वेट निकालना है, जितनी आपकी गर्मी होती है वो काफ़ी अच्छी बात है, आपको जितना हो सके आप उतना स्वेट अपनी बॉडी में से निकालो, और आपकी जो स्किन है वो काफ़ी हेल्दी रहेगी और वो काफ़ी फेयर और ग्लोइंग दिखेगी। तो आप स्वेट निकालने के लिए जिम कर सकते हो, बहुत ज़्यादा दौड़ो यार, मतलब अगर आपको हेल्दी स्किन और अच्छी स्किन चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा, और आपको जिम भी ज्वाइन करनी पड़ेगी। जितना स्वेट आपकी बॉडी में से निकलेगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। फिफ्थ टिप जो हमारे पास है वो है सन प्रोटेक्शन। तो यार मतलब जितनी मैंने ऊपर की जो टिप्स बताई है वो अगर आप सारी फॉलो कर लो सब कुछ सही चल रहा होगा, लेकिन अगर आप इस टिप्स को फॉलो नहीं करते तो फिर आपका जितना भी करा जा रहा है वो पूरा रह जाएगा और सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो आप समझ रहे होगे, मतलब अगर आप अपनी सन से दोस्ती कम नहीं करोगे ना तो फिर आपकी जो स्किन की वो काफ़ी बुरी हालत होने वाली है, और पूरी आपकी स्किन पर टैनिंग हो जाएगी और आपकी जो स्किन है वो पूरी ब्लैक दिखने लगेगी। तो अगर आप कहीं बाहर धूप में जाते हो तो आप सनस्क्रीन लगा के जाओ, आपने नाम सुना होगा, आप सनस्क्रीन लगा लेना, और धूप में कहीं भी जाने से पहले आपको अपने फेस को रुमाल से बांध लेना है, मैं हमेशा बांधता हूँ। और फेस में मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई भी रुमाल ले लिया, आपको वाइट रुमाल लेना है, ब्लैक नहीं लेना, नहीं तो ब्लैक रिफ्लेक्ट होकर आपके चेहरे पर ब्लैकपन लाएगा, मतलब ब्लैकपन क्या होता है मतलब कालापन लाएगा। तो आप जब भी कहीं बाहर जाते हो तो आप सनस्क्रीन लगा के जाओ, या फिर अपने फेस को रुमाल से बांध रहो, या फिर हो सके तो आप धूप में निकलो मत, या फिर अगर आपको ज़्यादा अर्जेंट काम है तो आप सनस्क्रीन लगा के जा सकते हो। तो ये थी कुछ ऐसी 5 टिप्स नेचुरली जिसको आपको हमेशा अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी। और मैंने इस पर पहले वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इस बार की जो टिप्स थी वो अलग थी, तो इस वजह से आप इस वीडियो को लाइक कर देना यार, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा और मैं आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस लाते रहूँगा।
तो और अगर आपने अब तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर, साथ में जो बेल का आइकन है उस पर टैप कर लेना, जिससे क्या होगा आने वाली जो मेरी वीडियोस है वो आप मिस नहीं कर पाओगे। और अगर आपने अब तक अपने भाई को इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो अभी फॉलो करो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप मुझको फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर आकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो बस मिलेंगे ऐसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।